पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में है, तो कहीं चाहिए पिछड़ा वर्ग का एक सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार रहेगी अपना प्रवर्तन के समक्ष। देश भर में उपलब्ध है कांग्रेस के ऊपर उठाए जा रहे हैं प्रश्न, नीति और नियत दोनों के ऊपर। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता का आयोजन, कांग्रेस की नीति नियत के साथ में भाजपा अपने पक्ष को भी रख रही है सामने। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट है और यही वह कारण है कि वह ओबीसी के पक्ष को सही तरीके से ना रख के उसका अहित कर बैठी है। सर्वोच्च न्यायालय में उस समय जब सुनवाई चल रही थी, लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐसा फैसला दे सकता है जिसके कारण समस्या पैदा हो सकती है, तो फिर पिटीशन वापस भी ली जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर जो परिणाम आया उसके कारण एक समस्या पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए लगातार कार्य कर रही है और वह प्रबल तरीके से अपना पक्ष रखेगी। इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और इसमें भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के मंत्री संजय राय, दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा तथा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के मंत्री संजय राय ने अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा। वर्तमान में पंचायत के चुनाव चल रही है, लेकिन इसी बीच जो पंचायत के चुनाव के लिए चल रही है सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसे समय में एक संस्थाई जो कि हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट है और उनका ये कहना है कि हम रोटेशन प्रक्रिया को आरक्षण के उसके रूप में गए, लेकिन जब ये स्थिति आई तो जब ये चुनाव पर रोक कर रही तो उनकी सकते थे कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पर रोक न लगे थे और रोटेशन प्रक्रिया को मांग कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे और पिछड़ा वर्ग के लोगों का ये भोजन हुआ है। कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं कि ये लंबे समय बाद जब कोरोना काल भी था, पांच साल का कार्यकाल भी हो गया था, जो वर्ग कोरोना काल के लिए गए, लेकिन मुझे वो पिछड़ा वर्ग के लोगों को कभी मौका मिला था सरकारी किसी का आरक्षण का, वो भी कार्य है पंचायतों में, मंत्रालयों में, जिला पंचायत में हमारी धारिया वही दूसरी ओर जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने भी भाजपा का पक्ष रखा, कहा कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट है, भाजपा ओबीसी के लिए कार्य कर रही है, वह प्रबल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। और राज्य निर्वाचन आयोग में पूरा चुनाव की कथित चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया, उसके बाद कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा जी इस चुनावी प्रक्रिया को और लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट में अपने तर्क प्रस्तुत किए, तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में सुनवाई के लिए उसको आरक्षित कर दिया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन कांग्रेस उसको संतुष्ट नहीं हुई, विवेक तन्खा उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्वयं उसकी पैरवी की और पैरवी ऐसी की कि ओबीसी के आरक्षण
समाप्त करवा दिया। जब आप कह रहे कि हम इस दिशा को लेकर नहीं गए, जब वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो आप उस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर रहा था, तो आप उस दौरान अपनी पिटीशन वापस भी ले सकते। आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके कि हमने जिस रोटेशन प्रक्रिया के लिए इसको लगाया है, यदि इसको सुनवाई नहीं हो रही है और इसे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने पर सुनवाई हो रही है, तो मैं इस अपने विड्रा करता हूँ। इसको तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विड्रा नहीं किया, उस पर अपनी बैन भी की और बैन भी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया। उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, और आप चिल्ला रहे हो कि मैंने इस तरीके की कोई बैन भी नहीं की। हम जो केस लगाया था उस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उसका ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया, तो निश्चित कहीं ना कहीं आप इसमें दोषी हैं। और आप अब अपने दोष को छुपाने के लिए आप पूरी कांग्रेस जो ओबीसी विरोधी रही है, ओबीसी के हितों का साथ छलावा किया है, उसको अब आप ढकने के लिए कहीं कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कहीं और बहाने बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ी हुई है, और पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी इसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करने वाली है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, उस पर पुनः सुनवाई करते हुए और ओबीसी के अधिकारों को बनाए रखने के लिए जो भी काम होगा, वो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी करने वाले हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं, और पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास हम सब कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जब प्रीतम से लोधी से हमने ये पूछा कि क्या ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है कि चुनाव टाल दिए जाए, चुनाव की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस जो स्थिति निर्मित हो रही है, अब वैसे में कानून का पालन करना भी जरूरी है, और अगर चुनाव समय पर वैसी स्थिति में होते हैं तो कुछ समस्या भी पैदा हो सकती है। तो फिर प्रीतम से लोधी ने कहा, हाँ हो सकता है कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का पक्ष रखे कि हम रोस्टर का पालन करने के लिए तैयार हैं, पर समय की जरूरत है, ऐसी स्थिति में चुनाव आगे टल भी सकते हैं। इस विषय को लेकर भी आगे बढ़ेगी कि चुनाव की कुछ तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए और आगे कुछ हो जाए ऐसा। चुनाव कराने के पक्ष में, लेकिन ओबीसी के अधिकारों का जब हनन की बात होगी, अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेश करे, उसमें कोर्ट के लिए समय देगा, तो इसके भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समय उपलब्ध कराएगा, जिससे सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय अंबेडकर चौक पर पुतला भी दहन किया गया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और विवेक तरखा, सभी का नारे लगाए जा रहे थे, सभी के विरुद्ध नारेबाजी हुई, पुतला दहन किया गया, आरोप भी लगाए गए। Murdabad, 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 Murdabad,